नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। केंद्र की एनडीए सरकार ने पहला रेल बजट पेश कर दिया है। पहले बजट में 58 नई ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अच्छा खाना और सुरक्षा पर फोकस किया गया है। रेल की हालत सुधारने के लिए एफडीआई की योजना भी लाई गई है। सरकार का दावा है कि उसकी प्रस्तावित योजनाएं भारतीय रेल को दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक बनाने में मददगार होंगी। केंद्र की नई एनडीए सरकार के पहले रेल बजट में रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन, यात्रियों को सुविधाएं और रेलवे में एफडीआई की योजना का प्रस्ताव किया है। आइए जान लेते हैं कि रेल बजट की खास बातें क्या क्या हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए डायमंड चतुर्भुजीय नेटवर्क बनाया जाएगा। 9 सेक्टर्स में ट्रेन की गति 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए 7200 टिकट प्रति मिनट की सुविधा होगी। 1.2 लाख उपभोक्ता एक साथ लॉग ऑन कर सकेंगे। आरक्षण व्यवस्था सुधारी जाएगी। मोबाइल फोन, पोस्ट ऑफिस से टिकट बुकिंग को लोकप्रिय बनाया जाएगा। स्टेशन पर पार्किंग प्लेटफॉर्म टिकट की कॉम्बो सुविधा मिलेगी। महिला कोच में महिला आरपीएफ कांस्टेबल होंगी। खाने के ऑर्डर एसएमएस, फोन, फूड कोर्ट के जरिए दिए जा सकेंगे। सफाई पर सालाना 40% खर्च बढ़ा है। सफाई व्यवस्था पर नजर रखने के लिए स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुछ स्टेशन ट्रेन में आरओ का पानी मिला करेगा। मुख्य लाइन और सब अर्बन कोच में स्वचालित दरवाजे होंगे। 58 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है। रेलवे प्रोजेक्ट्स में एफडीआई की योजना है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को आमंत्रण है। कुछ ट्रेन में इंटरनेट और वर्क स्टेशन की सुविधाएं मिलेंगी। कुछ स्टेशन्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। मुख्य स्टेशन्स पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो आज जानेंगे कि क्या रेल बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान, उनसे परिचय करवा देते हैं। मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हैं, भाजपा के नेता हैं। संत कुमार जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जग्गा जी हैं, जो कि जाने माने वकील हैं और कानून की जानकारी रखते हैं। साथ ही हरवंश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सनवारिया साहब, सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि सरकार आपकी है, आप क्या खूबियां गिनाना चाहेंगे कि क्योंकि यात्रियों का ध्यान तो उतना नहीं रखा गया है शायद। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के उस गठन कृत्य के लिए कहूंगा कि उनकी पार्टी जो एक रेलवे मिनिस्टर की नेम प्लेट को उतार करके पैरों से रौंदा गया, उसको कंडम कर रहा मैं करता हूं और चाहता हूं कि सारे नेशन को इसको कंडम कर दे। अब मैं बजट के ऊपर आता हूं, तो इस बजट का ये 21वीं सदी का एक भविष्य के बारे में सोचने के सोचते हुए ये बजट बनाया गया है। और बकौल हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि रेलवे बजट के द्वारा मैं देश की प्रगति को देखना चाहता हूं। रेलवे की प्रगति तो होगी, उसमें रेलवे इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो मैं करने जा रहा हूं। अभी आपने कहा कि यात्रियों का ख्याल नहीं किया, मैं तो उसके अलग कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त आपके टीवी स्टूडियो में बैठ करके अपने को रेलवे का एक सोचता हूं कि मैं यात्री बन जाता हूं, शाम की ट्रेन से जाना चाहता हूं जब, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस टिकट को लेने के लिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, औरतें तत्काल टिकट की बात पे मैं आ जाऊं, क्योंकि वो लोग जो असली जनता जिस ट्रेन के लिए मैक्सिमम जाने वाले हैं वो प्लान नहीं करते अपनी जर्नी, उनको तत्काल टिकट चाहिए। और उसके लिए मैंने देखा है कि औरतें बच्चों को ले लेकर के 24-24 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं। तो अभी आपके ही माध्यम से मैंने देखा है कि एक मिनट में 7200 टिकटें, 1.20 लाख पीपल विल बी लॉग इन इनटू दैट वन। तो मुझे टिकट जो है बगैर लाइन में मिले ही मेरे माननीय रेलवे मंत्री गोड़ा जी ने मुझे दे दी। अब मैं रेलवे स्टेशन पे गया तो रेलवे स्टेशन के ऊपर मुझे डर नहीं, वो पानी पीते मुझे डर लगता अभी। अब कांग्रेस ने जो पानी पिलाया हमें, कितनी सारी बीमारियां की वो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि मुझे आरओ का पानी मिल रहा है। आप कहेंगे लेकिन वो सभी स्टेशंस पे नहीं होगा सनवारिया साहब, वो कुछ चुनिंदा स्टेशंस पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें इंटरिम बजट के बाद मिला, हमारे पास कुछ महीने है। बट मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये कुछ महीने ही नहीं है, ये बजट हमने अभी
पांच बजट, इसके अलावा चार बजट और पास करने, और अगर जनता को ये सब अच्छा लगा तो काफी सारे बजट पास करें। अगर इससे निराशा लगी तो आने वाले चार साल का इंतजार कर सकती है जनता। जिसंत कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी खूबियां आपको लगी और कौन से, कहां से निराशा मिली? देखिए, बेहद ही निराशाजनक बजट है। इस बजट में जिस तरीके से देश की जनता के ऊपर, उसकी जेब के ऊपर डाका डाला गया, उतने रुपयों की लूट करके ये उम्मीद की जाती थी कि इस बजट के अंदर जनता को देने के लिए बहुत सारी चीजें पेश करेंगे। बुलेट ट्रेन के बारे में लगातार प्रचार करते आ रहे थे, मेजर साहब मानेंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये अभी दूर की बात है। नंबर एक, तो इनका जो प्रचार करते बुलेट ट्रेन फला ट्रेन, ये विजन कहाँ है? देखिए, इस देश में तीन तरह की क्लास है। एक क्लास तो वो है जो प्रेफर करती है जाने के लिए पहले हवाई जहाज, फिर करती है रेलवे के अंदर एसी क्लास, और ट्रेन भी शताब्दी जैसी, राजधानी जैसी। उसके अलावा एक मिडिल क्लास है, आम आदमी है, वो जेब की तरफ देखता है, अपने बच्चों को उसने कहीं लेके जाना है, उसको सीट चाहिए, उसको ठीक से खाना चाहिए, और ठीक तरीके से उसके बच्चे बच्चों के साथ आराम से ट्रेन में चढ़ जाए, आराम से उतर जाए। तो ऐसी जनता के, और तीसरा उससे सबसे जो आखिरी आदमी है वो ये है जिसने 50 किलोमीटर पे जाना है, जिसने अपनी रिश्तेदारियों में जाना है, जिसने काम धंधे के लिए जाना है, भाद्रगढ़ से जिसने दिल्ली जाना है, जो लाखों लोग एनसीआर में, दिल्ली इस देश की राजधानी है, एनसीआर में करीब 25 लाख लोग डेली जाते हैं। आप एक बात देखिए, मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ, और सांवरिया साहब, मेजर साहब इस बात को मानेंगे, क्योंकि नहीं, एक मिनट लूंगा, क्यों, क्योंकि मिलिट्री के आदमी रहे, इनके सामने सबसे पहले देश है, पार्टी दूसरे नंबर पे है। क्या हुआ, हांडी का मतलब आप समझते हैं, हांडी जिसमें दाल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं। थोड़े में समाप्त कर, थोड़े में, क्योंकि बाकी लोगों को बोलने का मौका मिला। एक हांडी में दो पेट करने का काम किया जी इन्होंने, शिवसेना के दबाव में आकर के वहां का किराया माफ कर दिया महाराष्ट्र में, कि यहाँ बॉम्बे में लोग आते हैं, दिल्ली में लोग आते हैं, वो ज्यादा पैसे वाले लोग आते हैं। जी 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 बिल्कुल, एनसीआर में जो लोग आते हैं, उनका किराया माफ कर दिया, मुंबई में लोकल ट्रेन्स का किराया क्यों वापस ले लिया? जगह साहब आपसे राय लेना चाहेंगे, एनडीए की सरकार ने चारों तरफ से रेल किराया बढ़ाया, लेकिन मुंबई लोकल्स के बड़े किराए वापस ले लिए गए, आप क्या कहेंगे, रेल बजट कैसा रहा? जगह साहब की बात सुन लेते हैं, रेल बजट जी अब वापस आएंगे, संत कुमार जी वापस आएंगे, लेकिन बाकी अभी आगे आएंगे, इसीलिए तो झगड़े हैं कि अगर एक दूसरे की, अगर एक दूसरे की बात सुने और चले अपनी टर्न लेके, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं रहता, देखिए उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो एंकर का है, ये तो कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र, ये बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें हर वर्ष की राय लेनी है, एक एकर की राय तो ले ले, एक बार राय तो लेने दीजिए, एक बार राय तो ले लीजिए। जगत जी, आपकी राय रेल बजट पर क्या रहेगी? मैं समझता हूँ कि हम एक आशावादी माहौल की तरफ जा रहे हैं, देश में निराशा का माहौल था, वहां से हम आशावादी माहौल की तरफ जा रहे हैं। कैसी आशा नजर आती है? मैं आपको बता देता हूँ, ये बात के ये बुलेट ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन का पीएम ने क्लियर कर दिया, लेकिन इन्होंने जैसे कुछ बात इन्होंने हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बीच में करी कुछ आम आदमी को लेकर, तो मैं ये गिनाना चाहता हूँ कि जितने भी आप बिंदु देखेंगे वो सारे के सारे आम आदमी के लिए है। उसमें अगर हम सबसे पहले चले तो जो 40% जो बजट है वो हमने हाइजीन सफाई की तरफ, अगर हाइजीन होगा, ये जो साफ बात है वो ये बोलने नहीं देंगे, ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं कि बजट जो है वो सफाई पे ध्यान बढ़ाया है, इसमें दो राय नहीं है, ये बजट को जो
जो बजट के मुख्य बिंदु हैं ये नहीं चाहते कि वो आम जनता तक जाए। ये मेरी बात जो है बीच बीच में काट रहे हैं या फिर काट रहे हैं, आप बात काट रहे हैं जब आपका चलिए हमने वो समझ लिया कि 40% जो खर्च बढ़ा है सफाई पे। दूसरी बात ये है कि बुकिंग है। अब हरबंश जी आपकी राय लेना चाहेंगे, जैसा जगा जी ने बताया कि 40% जो सफाई पर खर्चा बढ़ा है ये जनता के लिए ही किया गया है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी नजर में इस बजट में जो कहा गया है उससे अधिक जो अनकहा है वह महत्वपूर्ण है। अनकहा जो है वह यह है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस सरकार के पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या साधन है। उन साधनों को तलाशने के लिए वह FDI और PPP मॉडल्स जो हैं और प्राइवेटाइजेशन इनकी तरफ जो है वो लपक रहे हैं। यह बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक बात इसलिए है कि आप यह देखें कि जो नई ट्रेन शुरू की गई या की जा रही हैं उनमें से 5 जो हैं वह जनसाधारण हैं। जी जी। 5 जो हैं प्रीमियम ट्रेनें हैं। 6 ट्रेन जो है वो AC एक्सप्रेस हैं। आप अनुपात देखिए 5 और 11 यह अनुपात बना है कि जो संपन्न लोग जो हैं उनके लिए आप क्या उपलब्ध करवा रहे हैं और जो साधारण लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं। जी जी। और जब आप FDI लाएंगे, जब आप PPP मॉडल जो है वह यहाँ पर लागू करेंगे रेलवे में, तो वो है कोई समाज सेवा करने के लिए तो कोई नहीं आएगा वहां। जो भी पूंजी लगाएगा वह लाभ कमाने के लिए आएगा। जी बिल्कुल। तो वह लाभ जो है वो कमाएगा वो किसकी जेब से कमाएगा? आम आदमी की जेब से। वो आम आदमी की जेब से कमाएगा। जी जी जी। तो यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो बहुत ढोल पीटा जा रहा है हरबंश जी ने कि ये कैसा अनुपात है। गरीबों को तो आपने कम ट्रेनें दी हैं लेकिन अमीरों को ज्यादा ट्रेनें दी हैं आपने, सुविधाएं ज्यादा दी हैं। नया जी मेरे बहुत ही वरिष्ठ सम्माननीय योग्य पत्रकार हैं, उन्होंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करने लगे कि 6 ट्रेन वहां, 7 एयर कंडीशन, 5 उसकी, मतलब मैं इतना ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं जानता जितना उन्होंने किया। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेलवे कोई ऐसा नहीं है कि जितनी ट्रेन चला दो। एक रोलिंग स्टॉक, इट्स ए साइंटिफिक थिंग। जैसे हमारे डॉक्टरी में हम कार्डिक सर्जरी करते हैं उसका एक तरीका होता है, उसकी कोई कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो वो उस कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर मैंने कहा कि ये हमारा लास्ट बजट नहीं है, ये तो एक इंटरिम बजट के बाद जो परेशानियां हमें मेरे माननीय सदस्य कांग्रेस के जो लोग तो आपको लगता है जो विरासत में जो आपको मिली थी रेल उसके हिसाब से ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। यस, विरासत में तो हमें ऐसा काम मिला है कि चक्का जाम होने वाला था। ये तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब चाहेंगे, चक्का जाम करने की स्थिति छोड़। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि ये कॉमन सेंस की बात है। अनुपात देखिए कि संख्या गिन की अधिक है। आप जो है जो अमीर हैं उनकी ट्रेन को गरीबों के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये आपको गलत फहमी हो रही है। बिल्कुल सर, आपका विजन जो है कलर्ड है। मैं तो सोचता हूँ कोई सब्सिडाइज नहीं हो रहा। अगर कलर्ड है तो मुझे गर्व है कि मेरा विजन कलर्ड है। मैं कहूंगा कि कलर ब्लाइंड, मैं तो होने की बात, बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। उसी मुताबिक से बात कर रहे हैं आप, गर्व महसूस कर रहे हैं, पर मैं आपको क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स पे ट्रेन नहीं चलती है। मैं समझता हूँ हर एक जो बजट आया है, मैं जैसे पहले कहा था निराशा से आशा के माहौल में जा रहे हैं। 100% संतुष्टि तो शायद परमात्मा भी नहीं किसी को दे सका। इनके बिंदु अपनी जगह जायज होंगे, पर मैं जो 2-3 जिन चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे आपने सफाई की तरफ ध्यान दिया, एक और बिंदु बता देता हूं जिसके बारे में हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका चलती रही है, वो था उसमें सिक्योरिटी का मैटर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा जो है, और जो सुरक्षा का मुद्दा है वो इस समय चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो वो सुरक्षा के दायरे के अंदर सभी लोग आते हैं। तो इस बजट में जो मेन थ्रस्ट था सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, उसको जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने ट्रैक रखा गया। कहीं कोई बम आता है उसके लिए डिटेक्शन स्क्वाड उन्होंने क्रिएट किए गए हैं। तो ये एक इसके अंदर जो है अच्छे और सकारात्मक बिंदु है जो हर भर भर जगह। जी एक सवाल मेरा है, 65,455 करोड़ का आउटले इन्होंने तैयार किया है, इतनी बड़ी राशि
कहां से उगा सकेंगे? सुरक्षा इसमें दिक्कत एक और है जगदा जी, स्टेट पुलिस होती है हरियाणा स्टेट, हरियाणा रेलवे पुलिस अलग से है, यूपी रेलवे पुलिस अलग से, इनको मालूम नहीं है अच्छा जीआरपी का एक्ट बना हुआ है, केंद्रीय सरकार का एक्ट है जिसमें स्टेट तो सिर्फ थाना देती है, कोई ज्ञान नहीं है। आप जीआरपी एक्ट पढ़िए, जनरल रेलवे पुलिस एक्ट पढ़िए, सरकारों का नहीं है वो, राष्ट्र का एक्ट है वो। संधवानी जी आपसे जान लेते हैं, 65,000 आपकी तरफ से ये सवाल होगा, 65,455 करोड़ का आउटले इन्होंने तैयार किया है, क्या एफडीआई और जब आप निजी लोगों के पास जाएंगे तो क्या इतनी उगाही हो सकेगी, अगर अगर होगी तो वो किन शर्तों पर होगी? देखिए ये बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी ये पूछा था कि ये पैसा कहां से आएगा जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एफडीआई को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं सबसे पीपीपी को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं सबसे पहले उन तंत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस वक्त हमारा रेल जो है माल ढोने में सबसे पीछे है, क्योंकि हमारी पिछली सरकारों ने माल ढोने के लिए कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं दी, 70% माल ढोया जाता सड़क के द्वारा। हमारे इस बजट के बीच में ये प्रोविजन दिया गया है कि हमारा हिंदुस्तान का रेल मैक्सिमम फ्राइट और भाड़े के लिए वो ट्रेन जो कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं जो और बनाने के लिए चले हैं, बिकॉज कमाई हरबंश जी क्या कहेंगे, क्या लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर बनाना चाहती है मोदी सरकार? एक बात जो है स्वीकार करनी चाहिए कि कोई अगर ये दावा करे कि जी हमने ये कर दिया तो ये हिमाकत है। बहुत सारे प्रयास जो हैं वो चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे जी, पहले से ही रहे, जैसे कि 160 से 200 किलोमीटर वाली बात मैंने, जैसे कॉरिडोर वाली बात है, फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, बिना उसके जो है रेलवे हमारा जो है नहीं सुधर सकता, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं बन सकता, कम से कम सुधार तो हो सकते हैं, उसके प्रयास पहले से चल रहे हैं, उसकी योजनाएं जो है वो पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं। और कोई मुझे, मैं चूंकि किसी पार्टी का नहीं हूं इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है ये कहने में कि जो पहली सरकार थी उसको इसका श्रेय जो है वह देना चाहिए कि उन्होंने यह योजना बनाई। दूसरी बात यह है कि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि फ्रेट कॉरिडोर जो है वह भी तभी कामयाब हो सकता है जब हम इलेक्ट्रिफाइड इंजन जो है उनकी बजाय डीजल इंजन की तरफ ज्यादा ध्यान दें। उसका कारण यह टेक्निकल रीजन है उसका कि जो डीजल इंजन है वह अधिक बोझ जो है वह ढो सकता है, ज्यादा डिब्बे जो है उनको खींच सकता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो है इंजन वो कम ढो सकते हैं, यानी एक ही ट्रेन जो है एक ही इंजन जब ज्यादा भाड़ा जो है भार उठा सकती है, ले जा सकती है, तो नेचुरली जो है वह ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो ये छोटी छोटी निटी ग्रिटी है जो समय के साथ जो है करेंगे, ये भी करेंगे, ये नहीं कि ये कुछ नहीं करेंगे, करना पड़ता है, जो सत्ता में बैठता है जो उसे कुछ करना पड़ता है। अब एक अंतर रह जाता है कि जो है हमारी आकांक्षा कितनी होती है और हमें मिलता है। केंद्र में सरकार आई थी बहुत ज्यादा जी, एफडीआई के बारे में मेजर साहब ने ये कहा कि हम एफडीआई से पैसा लाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है, मैं पहले ही कह रहा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि चुनाव से पहले पार्लियामेंट में जब एफडीआई लाने की बात कांग्रेस करती नहीं, है नहीं, नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। ये रिकॉर्ड की बात है, नंबर एक, नंबर दो, सांवरिया साहब का नहीं है, आज भी एक बात कहता हूँ रेलवे जो दुनिया का जो चार बड़े जो इदारे हैं उनमें से भारतीय रेलवे है, और इस रेलवे को अगर 5 साल 60 महीने इनको दे दिए तो ये रेलवे हिंदुस्तान की, आप देख रहे हैं इसी चैनल पे, 5 साल के बाद भारतीय रेलवे नहीं होगी, ये अंबानी रेलवे होगी, अदानी रेलवे होगी। नॉन पॉलिटिकल व्यू आपसे लेते हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे रेल बजट को? इसको ऑलरेडी 7.5 की रेशो पर है रखा हुआ बजट को जी, 10 में से 7.5 की रेशो जी। हरबंश जी आप भी रेटिंग कर दीजिए कितनी? मैं इसे 4 पे रखूंगा जी। तो मतभेद लग रहा है, यानी 4 सालों का इंतजार करना पड़ेगा जो 3.5 सही माने, मैं तो ये कहूंगा कि
ये जो है इस सरकार का अभी तक का जो कारगुजारी डेढ़ महीने में जो हमने देखी है जी, वो तो ये कहना चाहिए कि यह एनडीए 2 नहीं है, यह यूपीए 3 चल रहा है जी। मुझे कोई किसी चीज में कोई मुझे बदलाव नजर नहीं आया। थोड़े से बता दें कि वक्त खत्म हो रहा है, बदलाव आया मेरे भाई साहब जी, थोड़े से बता दें वक्त खत्म हो रहा है। यूपीए की बात इन्होंने कहा कि थर्ड कर रहा हूँ, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस इराक क्राइसिस पे। अरे क्यों भैया मेरे इतना झूठ बोले, अरे उसने वो इराक से यही एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सबको निकाल के ले आई, वरना यूपीए 3 तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तानी ये कांग्रेसी रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। रेल बजट में आम जनता को भले ही कुछ नहीं मिला हो लेकिन रेलवे को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है, लेकिन रेलवे को जितने पैसे की जरूरत है क्या उतना पैसा मिल सकेगा? मोदी सरकार का विजन अब भी उतना साफ नहीं हो सका है, शायद 2-3 साल में विजन साफ हो जाएगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।